दोस्तों कैसा हो अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें और हमारा नाम भी ना आए, हमारी आइडेंटिटी भी शो ना हो। बच्चों में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो हम टीचर से पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे होते। और आज तक आपके जहनों में भी ऐसे कुछ सवालात होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे गवर्नमेंट से या सोसाइटी से या किसी से भी पूछना चाहते होंगे, लेकिन आप नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, तो कैसा हो अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ फेसबुक के जैसा, ट्विटर के जैसा और इंस्टाग्राम के जैसा हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, आइडियाज़ को शेयर कर सकें या क्वेश्चंस पूछ सकें और हमारी आइडेंटिटी भी शो ना हो, तो ये कितना अच्छा होगा। तो एक तीन ऐसे लोग हैं बांग्लादेश में, जस्ट वो कॉलेज से पास आउट हुए थे और उनके जहन में ये एक आइडिया था कि हमें एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर हम लोग अपने यूज़र्स अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें और अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, क्वेश्चंस रेज कर सकें और उनका नाम भी शो ना हो, उनकी आइडेंटिटी भी ना आए। तो यही आइडियाज़ को लेकर हमारे पास फाउंडर हैं शहजाद, मोहतसिम और नासिर। ये तीन फाउंडर हैं इस सोशल प्लेटफॉर्म के, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को बनाया और ये जैसे कॉलेज से पास आउट हुए थे जब इन्होंने ये एप्लीकेशन बनाया। तो मैं बात कर रहा हूँ इनकॉग्निटो की, बांग्लादेश के फेल स्टार्टअप की हम बात कर रहे थे, तो आज हम इन एक और फेल स्टार्टअप लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे इनकॉग्निटो की। तो ये तीन फाउंडर्स थे जिन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया। तो क्या आइडिया था इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के पीछे? तो उनका ये आइडिया था कि लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या ऐसे थॉट्स होते हैं जो लोग नहीं शेयर कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी जाहिर होने का ख़तरा होता है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर से ऐसा है कि बोलने की आज़ादी नहीं है, आप ओपनली कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर लोगों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो अपने थॉट्स को शेयर कर सकें लेकिन उनकी आइडेंटिटी शो ना हो, तो कितना अच्छा हो। तो इसी आइडिया को लेकर ये एप्लीकेशन इन्होंने बनाया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था। बट ये इस प्लेटफॉर्म को तो इन्होंने बना दिया, ठीक है, इस एप्लीकेशन को इन्होंने बना दिया, लेकिन ये इससे कमाते कैसे? ठीक है, ये इससे कमाते कैसे? तो इनका जो आइडिया था वो ये था कि आमतौर पर जो कंपनी सर्वे करती हैं, ठीक है, तो लोग उसमें 100% ओरिजिनल थॉट्स नहीं शेयर कर रहे होते। ठीक है, क्योंकि जब लोग कंपनी का नाम सुनते हैं तो कंपनी का नाम सुन के वो ओरिजिनल थॉट्स अपने शेयर नहीं कर रहा होता। लेकिन जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी शो होगी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कंपनी सर्वे कर रही है, ठीक है, तो वो अपना ओरिजिनल थॉट्स शेयर करेंगे, इससे क्या होगा, कंपनी को ओरिजिनल डाटा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो ये उनकी सोच थी कि हमारे पास कंपनीज आएंगी, उनको सर्वे करना होगा, वो हमारे पास आएंगी, हम उनके लिए सर्वे करवाएंगे, कम्युनिटी में लोग अपने ओरिजिनल थॉट्स शेयर करेंगे और इससे हमें कंपनी से पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से वो कमाते और वो कमा रहे थे। बहुत अच्छा स्टार्टअप था, बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो दोस्तों ये स्टार्टअप फेल कैसे हुआ? तो कुछ वजूहात हैं जिनके बिना पर ये स्टार्टअप फेल हुआ। सबसे पहले तो ये है कि जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशंस होती हैं, मैं ये बता दूं, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एप्लीकेशंस होती हैं
वो कभी ना कभी असरअंदाज होती हैं, या बंद करना पड़ता है उन एप्लीकेशंस को, या आपको अपडेट करना पड़ता है उन एप्लीकेशंस को जब जब भी प्लेटफॉर्म अपना एपीआई चेंज करेगी या अपने सिस्टम को अपडेट करेगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर फेसबुक की बात करें, तो फेसबुक अगर कॉमर्स मैनेजर से पार्टनर्स का ऑप्शन अगर हटा दे, तो इससे फर्क पड़ेगा। अभी क्या होता है कि आप कॉमर्स मैनेजर में, आप अगर शॉपिफाई वेबसाइट है आपका, तो आप अपने शॉपिफाई वेबसाइट को वहाँ पर ऐड कर दो, सही है। उससे क्या होता है, आपको कैटलॉग बनाना नहीं पड़ता। ठीक है, आपने वेबसाइट पर अपने चीज़ें डाल दी हैं, आप एक बार कनेक्ट कर लोगे अपनी वेबसाइट, शॉपिफाई वेबसाइट को अपनी फेसबुक से, तो क्या होगा कि आपको कैटलॉग बनाना नहीं पड़ेगा फेसबुक में, वहीं से कैटलॉग खुद ब खुद उठा लेगा फेसबुक। और मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देते हैं, अगर फेसबुक कॉमर्स मैनेजर से व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का जो ऑप्शन है, व्हाट्सएप को कनेक्ट करने वाला जो ऑप्शन है, वो उसको हटा दे, तो क्या होगा कि आप व्हाट्सएप को कनेक्ट नहीं कर पाओगे फेसबुक से, व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको व्हाट्सएप पे अलग से कैटलॉग बनाना पड़ेगा, अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे आपको अलग से कैटलॉग बनाना पड़ेगा। अभी क्या होता है, आपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया फेसबुक से, तो क्या होगा, कैटलॉग खुद ब खुद वहां पर आ जाएंगे, आप कैटलॉग फेसबुक के थ्रू वहां से ला सकते हो। तो ये होता है, अभी व्हाट्सएप हो गया और शॉपिफाई हो गया, ये क्या है, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए, सही है। तो इनकॉग्निटो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, जब फेसबुक ने अपना एपीआई चेंज किया तो ये इनको फर्क पड़ा। ठीक है, ये असरअंदाज हुए और इनको अपना सिस्टम जो है वो चेंज करना पड़ा, इसमें चेंजेस करनी पड़ी। पहले तो इन्होंने बीटा वर्जन ही, इन्होंने अभी अभी तक बीटा वर्जन ही रिलीज किया था अपनी एप्लीकेशन का। अब बीटा वर्जन में ये होता है कि बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए होता है, किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन टेस्टिंग के लिए होता है, लो यूज़र उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद जो कंपनी है उसको मालूम चलता है कि इसमें क्या क्या कमी है, तो उन कमियों को अपडेट करके कंपनी मेटा वर्जन रिलीज करती है। तो अभी तक तो ये बीटा वर्जन पे ही थे और ये स्टार्टअप क्लोज हो गया। और वजह ये है कि इनके पास स्ट्रांग टीम नहीं थी, ठीक है, और इन्होंने जो मार्केट टारगेट किया था, बांग्लादेश की मार्केट को टारगेट किया, वो मार्केट आप देखना पड़ता है आपको ये। ठीक है, जब आप स्टार्टअप करने जाते हो आपके पास टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, और जिस मार्केट को अपने प्रोडक्ट के लिए आप टारगेट कर रहे हो वो मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए फिट है भी कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के लिए फिट नहीं था, जिस मार्केट को इन्होंने टारगेट किया, इनके पास जो टीम है, टीम थी वो मोटिवेटेड नहीं थी, वो स्टेबल नहीं थी, वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे, वो इमोशनली स्टेबल नहीं थे, और वो यूज इनकी जो टीम थी वो ज़्यादातर यंग थी, अभी ये कॉलेज से पास आउट हुए थे। ठीक है, और इन्होंने स्टार्टअप किया था, अगर ये अपने स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं, ऐसा सोच के देखा, अगर ये अपने स्टार्टअप में फेल हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगर सिर्फ ये स्टार्टअप पे ध्यान दें और स्टार्टअप में फेल हो गए, तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने वाली नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, स्टार्टअप को सपोर्ट, खासतौर पे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के खास तौर से, तो इस एज में स्टार्टअप पर फोकस करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ना आप हायर एजुकेशन आपने ली नहीं, अगर आपका स्टार्टअप फेल हो जाता तो आप करोगे क्या, आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, आप जॉब भी सही नहीं कर सकते, फिर आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि आपके पास हायर एजुकेशन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में है, कि स्टार्टअप को सपोर्ट, गवर्नमेंट स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं करती। तो जिस कंट्री में ये अपना प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया, गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाले नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इनके पास टीम नहीं थी, इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट नहीं था, इसलिए इनका स्टार्टअप फेल हुआ। ठीक है, तो ये कुछ वजहें थी जिनकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट फेल स्टार्टअप की स्टोरी के साथ। उम्मीद है कि आपको इन फेल्ड स्टार्टअप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको सीखने को मिलता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।